दोस्तों हमारे गिवे का हिस्सा बनने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में कहीं भी आपसे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो इसी वीडियो से लिया होगा, जिसका सही आंसर आपको अपने पेटीएम नंबर के साथ नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करना होगा और विनर को हमारे चैनल की तरफ से 50 रुपये का पेटीएम दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक और वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों स्टीरअप्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, जो हेल्प करते हैं हमारे प्राइमरी रीइंफोर्समेंट बार को एक जगह पर होल्ड करने में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बीम्स और कॉलम में यूज होने वाले डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरअप्स के बारे में। तो जानने के लिए आप मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं या पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं, तो हमारी हर नई आने वाली वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर लीजिए लाइक। और एक बात, अगर आप हमारे सिविल इंजीनियरिंग व्हाट्सएप ग्रुप या सोशल मीडिया इंजीनियरिंग ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक को फॉलो करें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर में लेटरल शियर फोर्स और डायगोनल टेंशन स्ट्रेस को शियर करने के लिए ही स्टीरअप्स यूज की जाती है, जो कॉलम और बीम को बकलिंग फेलियर से प्रिवेंट करता है। तो इनमें कई तरह की स्टीरअप्स यूज की जाती हैं एज पर नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो कुछ डिफरेंट टाइप्स की स्टीरअप्स हैं जो बीम और कॉलम में अक्सर यूज की जाती हैं। आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो नंबर वन है सिंगल लेग्ड स्टीरअप, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो और आपने अक्सर साइट पर भी इस टाइप्स की स्टीरअप यूज होती हुई देखी होंगी, तो इसे सिंगल लेग्ड स्टीरअप्स कहा जाता है। नंबर टू है टू लेग्ड स्टीरअप्स, और इसे डबल लेग स्टीरअप्स भी कहा जाता है, जो नॉर्मली ज्यादातर कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज की जाती है। नंबर तीन है हमारी फोर लेग्ड स्टीरअप्स, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज का गिव अवे क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करना है अपने पेटीएम नंबर के साथ @ लिखकर। नेक्स्ट है सिक्स लेग्ड स्टीरअप्स, आप देख सकते हैं, और कभी कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर थ्री लेग्ड स्टीरअप्स भी यूज की जाती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए जस्ट एक गुड नोन नॉलेज के लिए थी, ताकि इसके बाद आप जब भी कोई स्टीरअप साइट पर देखें तो उसे पहचान सके कि उस स्टीरअप्स का क्या नाम है। तो उम्मीद करूंगा कि यह जानकारी आप लोगों के लिए जरूर यूजफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए जल्द मिलता हूं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए एक और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए और बने रहिए अपने चैनल माई इंजीनियरिंग सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।